महेश भट्ट का क्या एंगल आपको समझ में आता है? ये जो पूरी थ्योरी फ्लोट की गई कि तबीयत खराब थी, उनके हेल्थ को लेकर सवाल खड़े किए गए, ये महेश भट्ट वाली थ्योरी में आपको क्या लग रहा है? क्योंकि ये मैसेजेस आप देखिए, ये 8 जून के हैं सर, 8 जून के मैसेजेस हैं ये, कि तुम करी प्यारी बच्ची और ये सब क्या है ये? देखिए, वो महेश भट्ट साहब एक बहुत ही पढ़े लिखे समझदार इंसान है। अच्छी फिल्में उन्होंने बनाई हैं, बुद्धिजीवी हैं। लेकिन क्या होता है, कभी कभी विनाश काले विपरीत बुद्धि भी हो जाता है। कभी कभी हालात ऐसे होते हैं, परिस्थितियां ऐसे हो जाती हैं, कभी कभी इंसान कुछ गलत भी कर जाता है। मैं कुछ कहीं उंगली नहीं उठा रहा हूं, मैं महेश जी की बहुत इज्जत करता हूँ और मेरा उनके साथ समीकरण भी बहुत अच्छा है। लेकिन अगर इस तरह के तथ्य बाहर निकल के आते हो, जनता कुछ सोचने पर मजबूर हो जाती है, तो वो अपनी जगह, वो भी सही है। इनका क्या रिश्ता था उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। जहां तक महेश जी को मैं जानता हूँ, बहुत ही सुलझे हुए, और मैंने कहा कि ये एक बहुत ही ईमानदार इंसान की तरह दिखे, बेबाक इंसान। अब ये पुलिस का काम है या सीबीआई का काम है कि पता लगाए कि ये समीकरण जो था, ये इक्वेशन था, इन दोनों के बीच में क्या है, इज देयर मोर देन व्हाट मीट्स द आई, बिल्कुल। और अगर है तो उसका पता लगाए। शेखर सुमन जी, आपने बहुत ही खुले दिल से तमाम बातें की और इस मुहिम की एक तरह से आपने शुरुआत की और लोग जुड़ते गए, और जैसा कहते हैं आज देश में हर कोई बस ये जानना चाहता है कि सच क्या है 14 जून का, क्या हुआ था उनके सुशांत के साथ, और हर किसी को यही लगता है जी, कि सुशांत उनके अपने थे। सच्चाई जरूर बाहर आनी चाहिए। मुझे दुख इस बात का है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री के तमाम लोग बाहर नहीं आए, सपोर्ट नहीं किया, नहीं तो ये काम शायद बिल्कुल बहुत पहले हो जाता। लेकिन मैं फिर भी कहता हूँ कि चॉइस उनका है, जो करना चाहे। जैसे एक भिखारी सड़क पे रहता है, वो कहता है जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। तो जो आए उनका भी भला, जो ना आए उनका भी भला। सिर्फ ये है कि आखिर आखिर में आके जी नाखून कटवाकर शहीदों में अपना नाम दर्ज करवाने की कोशिश ना करें। तो जी ये उनमें ये हौसला होना चाहिए था। वो राहत इंदौरी, मरहूम राहत इंदौरी साहब का शेर है कि कुछ लोग हर मोड़ पर रुक रुक कर संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन एक बार ये जो आपने डॉक्टर्स वाली बात कही है सर, उस पर एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाह रही थी कि इसके बारे में आपके पास क्या जानकारी है? क्या जो तमाम डॉक्टर्स थे वो एक साथ छुट्टी पर चले गए हैं, उनका बयान को लेकर क्या कोई फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन है आपके पास? किस किसके बारे में पूछ रही हैं जो आप? आपने आपने डॉक्टर्स के बारे में कहा कि तमाम डॉक्टर्स एक साथ छुट्टी पे चल गए हैं, उनसे भी हाँ, पूछताछ होनी चाहिए सर। जो मुझे जानकारी मिली है। देखिए, हम तो जानकारी यहाँ वहां से ही इकट्ठा कर रहे हैं, और सोशल मीडिया पे आप देखिए बहुत सारे फेक न्यूज भी हैं। बहुत लोग अपने व्यूज के लिए और तमाम चीजों के लिए भी वो अनाप शनाप चीजें लिखते रहते हैं, गलत शलत। लेकिन जी कई सर, जगहों से ऐसा सुनने को मिला है कि जो 5 डॉक्टर्स जो जिन्होंने पोस्टमार्टम किया था, वो इकट्ठे ही अब सब लीव पे चले। ठीक है यानी कि जी, अगर उनको क्वेश्चनिंग के लिए बुलाना अगर कोई चाहे अभी, तो वो मिलेंगे ही नहीं, ऐसा मुझे बताया गया। ठीक है। इस हो खबर को सकता हम है मैं जरूर गलत हूं, वेरीफाई करेंगे मुझे और नहीं आपको मालूम, भी पर ये बताएंगे। खबर जी की आप पुष्टि कर लें। जी ठीक है। बिल्कुल।